हेलो फ्रेंड्स, हार्डवेयर सीरीज़ में आज मैं आपको रैम सेक्शन बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने मदरबोर्ड में वीआरएम बताया था, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल वीआरएम सेक्शन, आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं रैम। बेसिकली रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रॉबर्ट डिनार्ड ने इन्वेंट किया था। रैम जो होती है, रैम पर अलग से टॉपिक बनाऊंगा, आज सर्किट समझा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ सर्किट से रिलेटेड बात करेंगे, रैम कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मदरबोर्ड में आप जो सप्लाई देखेंगे वो 24 पिन की सप्लाई आती है, देखी होगी आपने, 24 पिन ATX सप्लाई, ये आप ध्यान से देख लें। इसमें जो रेड वायर है उससे 5 बोल्ट सप्लाई आएगी और ऑरेंज से 3.3 बोल्ट। ठीक है, बाकी बोल्ट ये इस पर अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि 24 पिन की सप्लाई इसमें नहीं समझा पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा होगा। अब सबसे पहले ये सप्लाइयाँ आपको समझ में आ गई होंगी, रेड से 5 वोल्ट और ऑरेंज से 3.3 वोल्ट। तो इसको छोटा कर देता हूँ, नहीं तो सर्किट बनेगा नहीं। तो यहाँ से ये 5 वोल्ट चलेगा, ठीक है, ये 5 वोल्ट। दो तरह से मैं आपको इसमें बना के समझा देता हूँ, फिर मदरबोर्ड में आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 वोल्ट यहाँ से चलेगा, 5 वोल्ट चलने के बाद ये 5 वोल्ट यहाँ से फिर एक कॉइल आएगा, कॉइल पे जाएगा, कॉइल के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और एक क्या लगाएंगे, यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। ठीक, ये फिल्टर कुछ इस तरह से होगा, इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड, और यहाँ से ये 5 वोल्ट कहाँ जाएगा, प्राइमरी मॉसफेट, कहाँ जाएगा, प्राइमरी मॉसफेट। प्राइमरी मॉसफेट का ये ड्रेन होता है, ठीक, ये सोर्स होता है और ये आपका गेट होता है, ये ऊपर से नीचे तक पूरा ड्रेन है। फिर यहाँ पर एक लगा होगा सेकेंडरी मॉसफेट, ठीक, सेकेंडरी मॉसफेट का जो सोर्स है उसको ग्राउंड कर देंगे, ये जो सोर्स है इसके ड्रेन में आएगा। ठीक, ये ड्रेन से सप्लाइयाँ रैम के लिए जाती हैं। अब रैम की सप्लाइयाँ आप समझ लें, अब रैम पे ये सप्लाई कैसे रेगुलेट होगा, क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए एक आईसी लगी होगी जिसको बोलेंगे रेगुलेटर आईसी, ये सारे गेट रेजिस्टेंस के थ्रू इससे कनेक्ट होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और इस आईसी को सप्लाई भी यहीं से या तो 3 या 5 वोल्ट, 3.3 या 5 वोल्ट की ही सप्लाई इसको मिलती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहला कंसेप्ट। ये इसमें सब में मॉसफेटों में ये प्राइमरी मॉसफेट, ये सेकेंडरी मॉसफेट, ये ड्रेन, ये सोर्स और ये आपका गेट, इन दोनों में रिवर्स बायसिंग का यूज किया जा रहा है। जब ये आईसी ट्रिगर करेगी उसके हिसाब से ये आगे सप्लाई रैम तक पहुंचाएगा। अब देखिए रैमें होती हैं एसडी रैम, एसडी रैम की सप्लाई चलती थी 3.3 वोल्ट, फिर आई डीडीआर, डीडीआर मतलब DDR1, इसकी सप्लाई बेसिकली 2.5 वोल्ट, DDR2 इसकी सप्लाई आपका 1.8 वोल्ट, DDR3 1.5 वोल्ट और DDR4 बेसिकली कितना आएगा उसमें 1.2 वोल्ट। अब देखिए ये तो हो गई रैम, अब हमें मदरबोर्ड पर इस तरह से क्या मिलेंगे, रैम के स्लॉट्स मिलेंगे, ठीक है, DDR1 का स्लॉट, DDR2 का स्लॉट, DDR3 का स्लॉट, DDR4 का स्लॉट और SDRAM का स्लॉट। SDRAM P3 तक चली और P4 के स्टार्ट होते ही क्या हो गई, कुछ मदरबोर्डों में आई और फिर बंद हो गई, तो अब रेलिवेंट नहीं है, मेनली DDR3, DDR4, DDR1 आपको मिलेगी, मेनली DDR3, DDR4 अब मिलती, ठीक है। अब ये जो आपका कट है, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा है 1.5, अगर 1.5 लिखा है तो DDR3, अगर यहाँ लिखा है 1.8 तो DDR2, यहाँ पे लिखा है 2.5 तो DDR1 और यहाँ लिखा है 1.2 तो DDR4। तो ये कट देख के सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि रैम कौन सी है, क्लियर हो गई कहानी। अब यहाँ से जो आउटपुट जाएगा वो इसी स्लॉटों के हिसाब से जाएगा, DDR1 है कि DDR2 है कि DDR3, DDR1 है तो 2.5, DDR2 है तो 1.8, DDR3 तो 1.5 और DDR4 है तो 1.2 वोल्ट। SDRAM 3.3 वोल्ट, SDRAM P3 मदरबोर्डों में आता था और स्टार्टिंग P4 में। तो अब यहाँ पर ये जो आउटपुट करेगा ये यहाँ तो या तो 1.8 करेगा, 1.2 करेगा, उस स्लॉट के हिसाब से करेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये 1.8 वोल्टेज या तो यहाँ पे सोर्स में मिलेगा, ड्रेन में मिलेगा, अगर ये दो जगह पे मिल गया। अब हम अगर रैम में चेक कर, या तो रैम लगा के चेक कर लें या कट लगा, कट पर आपको चेक करना, तो ये जो रैम स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, DDR1 का स्लॉट, DDR1 पे क्या लिखा होगा 2.5 वोल्ट, तो इसका जो स्लॉट होगा उस पर 7 नंबर, 15 नंबर और 22 नंबर, ठीक है, यहाँ से गिनिएगा एक नंबर से, 7, 15 और 22, 7, 15 और 22,
पर आपको अगर डी डी आर वन है तो कितना वोल्ट मिलेगा, डी डी आर वन है तो कितना मिलेगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, किस पे, डी डी आर वन पे। डी डी आर टू का जो कट होगा वो आपको ध्यान रखना है, क्या कट होता है उसका, 53, 59 और 64। डी डी आर टू पे कितना वोल्ट मिलेगा, डी डी आर टू पे मिलेगा 1.8 वोल्ट। कहाँ पर, 53, 59 और 64। तो यहाँ पे चेक कर लें, डी डी आर थ्री पे कहाँ मिलेगा, 51, 54, 57। तो 51, 54 और 57 पे आपको कितना वोल्ट चेक करना है, 1.5। तो पहली कंडीशन इस तरह से बनेगी। ठीक, अब रैम के जो पहले फॉल्ट आते थे हार्डवेयर बेस्ड, सॉरी पहले जो फॉल्ट आते थे, अगर आप चिप लेवल के बिना रैम रैम के फॉल्ट देखेंगे, ब्लू स्क्रीन कर रहा है, हैंग कर रहा है, रीसेट कर रहा है, शटडाउन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होने दे रहा, ट्रिपल वी एक्स, इस तरह के एरर्स आ रहे हैं, तो रैम के एरर माने जाते थे। अब आपने रैम लगाई और रैम में आपको सप्लाई नहीं मिल रही, तो फिर आपका डिस्प्ले की समस्या आ जाएगी। तो आपको सप्लाई कहाँ का चेक करना है, फॉल्ट में बताता हूँ। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या करते हैं, ये प्राइमरी मॉस्फेट, सेकेंडरी मॉस्फेट, इसके लिए, इसके अलावा क्या करते हैं, कई बार प्रोटेक्शन के लिए एक यहाँ पर और मॉस्फेट लगा देते हैं। ठीक है, तो वो मॉस्फेट का मैं बना देता हूँ कैसे बनेगा। ये एक और यहाँ पर, यहाँ पर आपका मॉस्फेट एक और लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन के लिए कि करंट दूसरी दिशा में ना जाने पाए। ठीक है, फिर यहाँ से करंट को कहाँ से निकालेंगे, ये यहाँ से इसमें आया। ठीक, ये इसका हो गया सोर्स और यहाँ पर हो गया इसका ड्रेन। ठीक है, तो जो 5 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, 5 वोल्ट ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए एक फॉरवर्ड बायसिंग में यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर ये 5 वोल्ट कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, कॉइल। कॉइल के बाद क्या लगा देंगे, एक फिर वही का वही आपका जो कंडेंसर मैंने बताया था। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड, और यहाँ से ये 5 वोल्ट कहाँ डालेंगे, फिर वही का वही कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन है, वो पहली थी, ये दूसरी है। ठीक, दोनों कंडीशन समझ में आ गई। और फिर एज इट इज जो रैम की रिक्वायरमेंट है, डी डी आर वन, डी डी आर टू, जो भी रैम लगी उसके हिसाब से वोल्टेज जाते रहेंगे। दो सर्किट मैंने बना दिए। ठीक है, अब एक और सर्किट, कई बार ये क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये फॉरवर्ड रहने दिया और प्राइमरी मॉस्फेट में क्या कर लिया इन्होंने, कई बार यहाँ पर दो मॉस्फेट भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन भी हो सकती है, सेकेंडरी में भी दो लगा सकते हैं, प्राइमरी में दो, सेकेंडरी में एक, सेकेंडरी में दो, प्राइमरी में एक, तो वो सारे कंसेप्ट होंगे, तो उसमें भी कुछ नहीं होना, एज इट इज़ वही का वही हो जाना है। जैसे यहाँ से ये है, फिर यहाँ पर एक और मॉस्फेट जो मैंने आपको वीआरएम में समझाया था मदरबोर्ड में। ठीक है, ये फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड, और सप्लाई फिर इन दोनों से मिलके आगे निकल जाएगी। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अब इसमें हम आते हैं फॉल्ट्स में। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अब बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रैम सेक्शन क्या है। अब हम चलते हैं फॉल्ट। अब अगर रैम में फॉल्ट है तो सबसे पहले मदरबोर्ड, जब आप इंस्टीट्यूट में सीखेंगे या अभी तो ऑनलाइन आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मदरबोर्ड में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और बहुत सारे सीपीयू में लोग कोर वोल्टेज बता देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। रैम पे लोग एक नॉर्मल वोल्टेज ये बता दिया, उसके बाद कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत तरह के और भी हम चीज़ें इसमें चेक करते हैं। अब क्या बोलूँ, कैसे कैसे लोग मार्केट में पढ़ा रहे हैं यहाँ भोपाल में, कि मैं बता नहीं, मतलब बात ही करना नहीं चाहता किस तरह के लोग हैं। छोड़िए उस सब चीज़ों से, अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, पार्टीशनिंग फॉर्मेटिंग कराई और हार्डवेयर खत्म हो गया, बोला हार्डवेयर हो गया पूरा, तो इस तरह के तो लोग हैं। अब यहाँ पर आपका जो 1.8 वोल्ट है, ये 1.8 वोल्ट किस पे मिलता है, पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि DDR2, हम मान के चल रहे हैं DDR2, और DDR4 पे तो मैंने आपको बता ही दिया 1.2 वोल्ट। अब यहाँ पर 1.2 वोल्ट की जो सप्लाई है, अब वो सप्लाई अगर मिसिंग है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 5 वोल्ट, अगर ये किसी अगर ये शॉर्ट है तो कई बार मदरबोर्ड को ही नहीं ऑन होने देगा। ठीक है, शॉर्ट नहीं है और कुछ दिक्कत है, तो फिर आपको एक एक स्टेप में सारे मॉस्फेट, सप्लाई कहाँ तक आ रही है, सप्लाई कहाँ नहीं आ रही है, फिर सारे मॉस्फेट आपको चेक करने, फिर जो बीच में फिल्टर्स लगे ये बल्की तो नहीं हो गए, फूल तो नहीं गए, ये सारे फिल्टर्स चेक करने, कॉइल कभी ख़राब नहीं होती है। तो अब आप में इसमें देखिए दिक्कतें किस तरह की आती हैं, एक तो प्राइमरी सेक्शन जा सकता है, सेकेंडरी सेक्शन जा सकता है, सर्किट सेक्शन जा सकता है, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, मतलब प्राइमरी मॉस्फेट, सेकेंडरी मॉस्फेट, प्राइमरी मॉस्फेट, सेकेंडरी मॉस्फेट, प्राइमरी जा सकते हैं, सेकेंडरी जा सकते हैं, सेकेंडरी जा सकता है, प्राइमरी जा सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी सब एक साथ जा सकता है। कभी कभी बहुत ब्रस्ट कंडीशन में सारी चीज़ें भी खराब, पर बहुत रेयर केस होता है, पूरी चीज़ें एक साथ कभी नहीं उड़ती। सर्किट मतलब ये IC खराब हो जाएगी तो भी क्या होगा, ये
जो आपका स्विचिंग का काम है वो टोटल रुक जाएगा। इस पे भी सप्लाई कई बार क्या होती नहीं पहुंचती, तो वो चीज़ें भी आपको देखना चाहिए। वैसे तो इस पे डायरेक्ट सप्लाई रहती है कई बार, लेकिन सर्किट बनाने वाले अपने हिसाब से भी चीज़ों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, प्रोटेक्शन लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस तरह की भी कोई चीज़ें यहाँ पर रजिस्टर लगा के भी की, तो इनको भी चेक करना। तो इसमें भी मॉसफेट चेक करना, मॉसफेट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो मॉसफेट वाला वीडियो आप देखें, उसमें सारी चीज़ें क्लियर। तो ये था रैम सेक्शन डेस्कटॉप मदरबोर्ड का, वीआरएम में समझा चुका हूँ। इसमें मैं आपको पूरे टोटल करीब 10 सेक्शन बताऊंगा। इसके अलावा ऑनलाइन में तो मैं आपको सारे सेक्शन समझा सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिकल 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का आप समय निकाल के आए, संडे आए, दिन भर बैठ के मैं सारे इसके प्रैक्टिकल्स करा दूंगा टू द पॉइंट। इसमें 10 से 15 फॉल्ट होते हैं, पूरा क्लियर करा दूंगा। इसके बाद लैपटॉप की सीरीज में 20 से 25 वो जाएंगे, उसमें भी मैं आपको क्लियर करूंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अब हम अगले वीडियो में और किसी सेक्शन में हार्डवेयर में मिलेंगे।